और फिक्र आपकी में अब रफ्तार से देश दुनिया की टॉप 9 खबरें। जम्मू कश्मीर चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पहले चरण के चुनाव के लिए 9 सीटों पर हुई चर्चा, 5 सीटों पर नाम तय। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ सीटों पर पेंच फंसा, सूत्रों के हवाले से खबर। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सभी प्रमुख मुस्लिम संगठनों का संयुक्त बयान। सरकार वक्फ संशोधन विधेयक वापस ले, बिल को बताया वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश। कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय की आज सियालदह कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट के सामने लोगों ने लगाए संजय रॉय को फांसी दो किनारे। गुरुग्राम में हुई हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। सभी 90 विधानसभा सीटों पर हुई चर्चा। कई सीटों पर उम्मीदवारों का सिंगल नाम का पैनल, जबकि कुछ सीटों पर 3 से 4 नाम का पैनल बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, जिसमें सभी एलोपैथिक डॉक्टरों का डेटाबेस शामिल होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव भी मौजूद रहे। मुंबई के पवई इलाके में बीएमसी की पाइपलाइन फटने की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। पानी की मार से कई घरों की छत टूट गई। गौतम नगर के कई घरों में पानी भर गया। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। तस्वीर में सोनिया राहुल के पेट डॉग नूरी के साथ आ रही है नजर। राहुल ने कैप्शन में लिखा मां का फेवरेट। नीरज चोपड़ा ने चैट के बावजूद ओलंपिक से भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। 89.49 मीटर थ्रो के साथ सीजन का बेस्ट प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर थ्रो किया था। नेपाल में भारतीय बस नदी में गिरी, 14 यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा लोग सवार थे। पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ यह हादसा।